कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे एंड हैप्पी होंगे। यहाँ खुशी खुद की सफाई कर रही है, एक्चुअली वो खुद को ड्राई कर रही है। आज वो नहाई है। बेटू, सोना बच्चा मेरा, आजा। आज वो मेरी नहीं सुनने वाली क्योंकि वो खुद को ड्राई कर रही है। इसको ये बस यहाँ देख ली ना, यहाँ धूप है तो यहाँ आके बैठ गई है। अब ये खुद को शाम तक ये खुद को ऐसे ही ड्राई कर लेगी। ये नहाना बिल्कुल नहीं चाहती, इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। आज भी मुझे पूरे घर में पूरा राउंड चक्कर लगाना पड़ा इसे पकड़ने के लिए। भागती है नहाने के नाम से। तो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। और तो चलो आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। एक्चुअली आज ना मेरे पास बहुत 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 सारा काम है क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर चली गई थी, ऑलमोस्ट 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए गई थी। तो अगर आप कहीं जाओ तो पैकिंग भी तो भी पैकिंग करो, कहीं से आओ तो भी आपको बहुत सारा काम होता है। तो अब तक तो मैं बस यूं ही अलमीरा में अपने कपड़े डाल चुकी थी, लेकिन अब मुझे आज उसे ठीक करना है। तो चलो आज यही करते, कम ऑन। छत से कपड़े लाने गई थी तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने अपनी छत पे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे फूल के पौधे लगा के रखे हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के संग भी मैं शेयर करती हूँ। तो ये कुछ फ्लावर्स मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ। देखो कितना प्यारा व्यू, मतलब कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं उनके छत पे, उन्होंने बहुत अच्छी गार्डनिंग करके उन्होंने रखी हुई है। घर से मेरे घर से कितना नज़दीक है पहाड़, आप मेरे घर के छत से आराम से पहाड़ को एंजॉय कर सकते हो। इतना प्यारा सीनरी है ना, शाम को छत पे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो सनसेट का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। वो देखो वो पहाड़ है, उसके पीछे धीरे 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 सूरज कर रही है। पता नहीं कैसे इन्वेंट करती है न्यू न्यू गेम, मुझे पता नहीं। और वो जो आप लोग देख रहे हो ना दीवार का पेंट उठा हुआ, ये खुशी की शैतानी है। बस इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, वो सारे पेंट को खाती रहती है दांतों से, पता नहीं अजीब। इसका गेम तो मुझे आज तक नहीं समझ आया, बट ये। और यहाँ खुशी अपने पापा को प्यार करती हो और खुद को प्यार करवाती हो, उसे बहुत अच्छा लगता है पापा के संग टाइम स्पेंड करना, तो ये बहुत इंजॉय करती है ये टाइम। तो गाइस रात के हो चुके हैं 8 और अब डिनर का टाइम हो चुका है। तो आज ना मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। आज मैं नेट यूज़ अपना इंटरनेट यूज़ कर रही थी तो मुझे एक नया डिश दिखा, मटर रवा इडली।
रवा इडली तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज मैं भी थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग ट्राई करती हूँ रवा इडली बनाने में। मटर का यूज़ करती हूँ और मैं चटनी बना रही हूँ, चना दाल की चटनी, उसके साथ मैं चना दाल की चटनी खाऊंगी। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। और आप भी देखना, अच्छा बना, अच्छा ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही बनेगा, तो आप लोग भी बनाना, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ मटर को मैं अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। मैं यहाँ हाफ मटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मैं पेस्ट बना लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में पीस के। और यहाँ मैं 2 मिर्च का भी यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन चिली। तो यहाँ हमारा पेस्ट रेडी है। अब मैं यहाँ 2 कटोरी सूजी यानी रवा ले रही हूँ, और इसमें अब मैं मटर का पेस्ट डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी दही, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ। आप अपने अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप नमक ले लेना। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। ये बहुत ही इसका अच्छा कलर आया है, कैमरा में इतना पता नहीं लग रहा ग्रीन ग्रीन, बट ये बहुत ही प्यारा कलर है। और अब मैं यहाँ थोड़ा पानी का यूज़ करूँगी, क्योंकि रवा जो है वो पानी थोड़ा सोखता है, तो इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें अच्छा सा अब हम यहाँ चना दाल की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैन को चढ़ा देंगे गैस पे, और उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब हम जब ये तेल गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम चना दाल डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है। इसको इतना आप भून लो कि ये इसमें ये हल्का रेड हो जाए। जब ये अच्छे से भून जाए तो हमें इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ हमारा ये चना दाल अच्छे से भुन चुका हुआ है, तो अब हम अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इस एक जार में चना दाल डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और 3 मिर्च मैं यहाँ डाल रही हूँ, हरी मिर्च और लहसुन डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ हमारा पेस्ट रेडी है, आप पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना। और ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, तो मैं यहाँ पानी का यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको थोड़ा पतला बना लूँगी, इसके घोल को थोड़ा पतला कर लूँगी। अब हम यहाँ वो जो चना दाल का जो हमने पेस्ट बनाया है, हम उसमें सरसों का छौंक लगाएंगे। तो यहाँ अब मैं गैस पे पैन चढ़ा दी हूँ, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सरसों डाल देती हूँ इसमें। यहाँ पे मैं इसको ढकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये जब इसका जब ये चटकने लगता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक जाता है, तो मुझे जलने का डर लगा रहता है, तो इसलिए मैं इसको ढकती हूँ। तो यहाँ सरसों अच्छे से पक चुका है, अब मैं यहाँ अच्छे से यहाँ छौंक लगा रही हूँ, अच्छे से मिला लूँगी मैं इसको, अच्छे से फेंट लेना है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं हाफ लेमन यहाँ पे मैं अच्छे से इसमें निचोड़ दूँगी, तो ये हल्का खट्टा और नमकीन वाला ना कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। तो यहाँ हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपनी इडली की तैयारी करते हैं।
ये थोड़ा पेस्ट इसका गाढ़ा हो गया, तो यहाँ मैं हल्का पानी यूज़ करूँगी और इसका हल्का पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी, थोड़ा अच्छा इसका आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे इडली स्टैंड में सेट करने वाले हैं। यहाँ मैं ऑयल लगा रही हूँ, इडली स्टैंड में मैं ऑयल अप्लाई कर देती हूँ अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे इडली का जो मैंने पेस्ट बनाया, रवा का पेस्ट जो है, मैं उसको स्टैंड में अच्छे से डाल, तो यहाँ मैं अच्छे से इसे सेट कर दूँगी। तो यहाँ हमारा इडली बन चुका है, अब मैं इसको अच्छे से प्लेट में निकाल लूँगी। इसको आप थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसे इस स्टैंड से बाहर निकालना। अगर गर्म में निकालोगे तो ये इसके टूटने का डर रहता है। तो यहाँ हमारा रवा इडली तैयार है।